बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 3, टेबल कंटेंट ऑनलाइन विद कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 14, वर्कशीट। ठीक है, अब आपने वर्कशीट किस तरह सॉल्व करनी है? आपने वर्कशीट अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है, प्रॉपर आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर वर्कशीट मेंशन करने हैं और अपनी क्वेश्चन लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑन योर नोटबुक। अब कह रहे हैं कि आपने फिल करना है। फिल आपने क्या करना है कि आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, पिक्चर्स दी हुई हैं और साथ ही आपको स्टेटमेंट्स कुछ दी हुई हैं। अब राइट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पिक्चर फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अब उन्होंने आपको 4 A B C D यानी 4 आपको लिस्ट में उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आपने इन लिस्ट को रीड करना है और अरेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आपने देखना है, फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, पेंटिंग हो रही है। सेकेंड पिक्चर में आपके पास क्या हो रहा है, स्कूल में वर्क हो रहा है। थर्ड पिक्चर में वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। फोर्थ में क्या हो रहा है, पेंटिंग हो रही है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कार्टून यहाँ पे वो वॉच कर रहा है, सॉरी यहाँ पे पे आपके पास कार्टून वॉच कर रहा है, ये आपके पास पेंटिंग है। अब वो कह रहे हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन को अलग अलग लिखना है और बताना है, अरेंज करके लिखना है। जैसे वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर हेल्प सॉल्व सम सम्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो सॉल्व कर रहा है सम्स को, तो आपने बताना है कि आपके फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या, आपने अरेंज करके लिखना है। ये आपके पास अरेंज नहीं है, आपने इनको अरेंज करके लिखना है कि ए पिक्चर में आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास ए है, ये बी, ये सी और ये आपके पास क्या है, डी। आपने इनको अरेंज करके लिखना है कि आपके पास पिक्चर में क्या हो रहा है। बी है, वी कैन वॉच मूवीज ऑन द कंप्यूटर मोनीटर, वी कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर, इट हेल्प अस टू डू आवर होम स्कूल वर्क। ठीक है, अब आपने अरेंज ही आपको देखें, आपके पास ये उन्होंने डिसअरेंज दिए हुए, आपने अरेंज करके लिखने हैं। जैसे कि आपके पास ए पिक्चर में क्या हो रहा है, ए पिक्चर में वो क्या कर रहा है, वो वॉच कर रहा है मूवी या कार्टून्स कह सकते हैं, वॉच कर रहा है। बी में क्या कर रहे हैं, वो अपना जो है वो स्कूल का वर्क कर रहे हैं। सी में वो सम सॉल्व कर रहे हैं और डी में वो क्या कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है। ठीक है, वो ड्रॉ कर रहा है और कलर कर रहा है पिक्चर्स को। तो अब आपने इसको अरेंज करके अपनी नोटबुक पे लिस्ट जो है वो राइट करनी है, वर्कशीट मेंशन करना है, क्वेश्चन लिखना है और आपने जो डिस्क्रिप्शन है आपके पास ये आपने पहले जिस तरह ये लिखी हुई है वैसे लिखनी है। थर्ड सेकंड में आपने नीचे स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने ए बी और सी और डी पार्ट आपके पास अरेंज करके किया है। ये आपका होमवर्क है, आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है।